नमस्कार बच्चों, क्लास टेंथ केमिकल इक्वेशन इसके अंदर पार्ट नंबर थ्री। इससे पहले हम नंबर वन एंड नंबर टू के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ कैन वी बैलेंस इट इसके बारे में बात कर चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट और पेपर में काफी बार आने वाली रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के अंदर टू वर्ड्स होंगे, आरईडी एंड ओएक्स। आरईडी का मतलब रिडक्शन एंड ओएक्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट इज द टू प्रोसेस दैट आर अकर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस देर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसको याद करने की आसान ट्रिक, ओ ए ओ और इसके साथ ओ आर एच, इसका मीनिंग ऑक्सीडेशन ए से एडिशन और इस ओ से ऑक्सीजन। तो आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अकर। अगर निचल की बात करें, ऑक्सीडेशन इज आर से क्या होगा, रिमूव। किसका रिमूव होना, हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इट इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी के साथ हम बात करें अगर रिडक्शन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थी दो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर इसका कलर क्या होगा, कलर रेडिश ब्राउन। इस कॉपर को जब आपने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के बाद टू टू। और मैंने आपको इसका आंसर लिखने का तरीका बताया था, मेथड, तो आंसर क्या आएगा, टू वन टू। तो जैसे ही आपने कॉपर को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ओ टू, तो कॉपर रेडिश ब्राउन से क्या बन गया, ब्लैक। तो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो किसका एग्जांपल होगा, ऑक्सीडेशन का। इसके बाद इस कॉपर ऑक्साइड को, इसका कलर क्या था, ब्लैक, आपने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, देन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वॉटर वेपर। इसमें कॉपर बनेगा वो कैसे बनेगा, फिर से रेडिश ब्राउन। इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या गया, ऑक्सीडेशन का
एग्जाम्पल इसमें आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इससे वो क्या होगी रिमूव होगी, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या था रिडक्शन, और ओ का आना क्या था ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ रिडक्शन, हाइड्रोजन में क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इसमें दोनों प्रोसेस होंगे उसी हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे द सब्सटेंस दैट हेल्प इन द सब्सटेंस दैट हेल्प इन रिडक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो किसमें हेल्प करेंगे रिडक्शन में, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे सब्सटेंस दैट हेल्प इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल याद कर सकते हो KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके साथ ही एक और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर LiAlH4, लिथियम एल्यूमीन टेट्राहाइड्रेट। इसके बाद एक एग्जांपल और NaBH4, तो एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने एग्जांपल किया था एक जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करने से क्या बनना था कॉपर प्लस वाटर वेपर। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना ये कॉपर बना, तो आपने देखा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या हुआ यहां पे रिडक्शन। इसमें क्या था गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के अंदर क्या होगा हम इसको क्या बोल सकते हैं इसके अलावा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। इसके दो नाम हो गए, एक तो प्रोसेस कौन सा हुआ रिडक्शन, और इसे हम क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल हो के देंगे अभी। इसके बाद एक एग्जांपल और जिसके अंदर हमने क्या किया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड। इसको हीट किया एल्यूमिनियम के साथ, इसे ट्रायंगल क्या बोलते हैं हीट, तो फॉर्मेशन हुई एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो आपने क्या देखा Fe2O3 में से O का लॉस हुआ, तो क्या हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ O का जाना क्या होता रिडक्शन। एल्यूमिनियम के केस में क्या हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या पढ़ेंगे इसको ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का एक नाम और था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका एक नाम क्या था रिड्यूसिंग
एजेंट, तो ये हुई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आप पूरी रिएक्शन को क्या बोलोगे एक साथ, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद तीन इक्वेशन है इसका, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके बाद रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में कैसा होगा, फॉर एग्जांपल फॉर आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन के अंदर हाउ कैन वी डिसाइड विच एलिमेंट आर गो इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो क्या था वो, ओ आई एल ओएल और आर आई जी, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओ आई एल क्या बोलेंगे इसको, ओ आई एल ऑक्सीडेशन इज, एल से क्या होगा लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे आप जानते हो कि कौन से एलिमेंट की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और नॉन मेटल इनकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। फॉर एग्जांपल सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एल्यूमिनियम का 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, क्लोरीन नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब सिंपल ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जिनके बैलेंसी शेल के अंदर 1 2 3, फिर से, जिनके बैलेंसी शेल के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, जिनके बैलेंसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हुए वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इसके अंदर मैंने 4 की बात नहीं की, 4 वाले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इसी तरह जिनके बैलेंसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 हुए वो क्या होंगे, नोबल गैस, जो इलेक्ट्रॉन को ना तो लॉस करेंगे और ना ही गेन करेंगे। आपके सामने एग्जांपल सिलिकॉन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद जो किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं कटाइन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो चार्ज आएगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर वो क्या आएगा नेगेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं अनायन, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस और गेन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल आपके सामने, जिंक प्लस कॉपर 2+, इसके बाद जिंक 2+ कॉपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर
अगर चार्ज नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, जीरो। नंबर वन, जिंक 0 से +2। अभी मैंने आपको बताया था किसी के ऊपर प्लस का चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बोल सकते हैं, इस केस के अंदर क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन। और ये +2 से 0 में चला गया तो ये क्या हुआ होगा, रिडक्शन। इसके अलावा आप एक ट्रिक्स के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हो। आपने सुना होगा कि नंबर लाइन 0 +1 +2 +3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। अगर नंबर लाइन के राइट साइड मूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर मूव करेंगे हम लेफ्ट साइड तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। अभी देखिए जिंक के केस में क्या हुआ था, 0 से +2, 0 से +2 में गए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कॉपर में क्या था, +2 से +0 में गए तो क्या होगा, रिडक्शन। आप नंबर लाइन को देखकर भी बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के द्वारा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको क्लास 9th के अंदर बताया था कि 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी बैलेंस क्या होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम की +1 ना तो +1 होगी, क्लोरीन की -1 ना तो -1 होगी। ऐसे ही ग्रुप नंबर 13 काफी ग्रुप ऐसे हैं जिनकी बैलेंस क्या होती है, फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल O2 ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की रिडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, कितने वो -2। और एल्यूमिनियम की रिडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, तो चार्ज क्या आएगा, +3। इसके बाद हमने क्या करना कि Mn जिसको आप नहीं जानते, मैग्नीज, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो आप निकालोगे, और जो चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो चार्ज आप निकाल सकते हो, इसको आपने रिलेट किया एक्स, एक्स प्लस कितने ऑक्सीजन 2, चार्ज -2, और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कोई नहीं था तो क्या था, मतलब 0। तो एक्स क्या आ गया, +4। यहां पे एक्स लिख सकते हैं +4। इसके बाद इस मेथड के द्वारा हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए मैग्नीज के ऊपर चार्ज क्या आया, प्लस का 4, तो इसके आगे आपने लगा दिया 4। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज था 3, 3, तो इसके आगे लगा दिया आपने 3। तो आपको बैलेंस करने का हिंट मिलेगा जिसके द्वारा आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब आगे देखिए इसके बाद इनकी जरूरत भी होगी, इसके अंदर कितने मैग्नीज 3, 3 लगाया, कितने एल्यूमिनियम 4, तो 2 लगाया, और आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। इसका आंसर क्या आएगा, 3, 4, 3, 2। देखिए एग्जांपल और करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप कौन कौन से एलिमेंट को कम जानते हो, या इनकी बैलेंस आपको पता नहीं है, कौन कौन से, वो मैग्नीज और Fe। तो हम इसकी बैलेंस निकालेंगे, और जो बैलेंस ही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसकी बैलेंस निकालनी होगी उसको एक्स मान लेंगे हम, तो के
पोटेशियम इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कितने, वन। ऑक्सीजन की होती है गेन करने की कितने, टू। तो हम निकाल सकते हैं वन एक्स फोर इंटू टू पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज जीरो, तो कितना आ गया प्लस सेवन। इसी तरह से SO4, SO4 सल्फेट, इसकी वैलेंसी क्या होती है नेगेटिव टू। तो क्या आंसर आया इसका, X इक्वल टू प्लस टू। तो दोनों नंबर आप लिख सकते हो यहां पे, MN कितना आ गया प्लस सेवन और FE कितना आ गया प्लस टू। इसी तरह से आप FMN और FE की ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड भी निकालोगे, वो कितना आएगा प्लस टू और इसकी किस में आएगा प्लस थ्री। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन थे सेवन, कितने थे सेवन। नंबर लाइन को देखिए फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो प्लस सेवन से इसमें चला गया प्लस टू में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यहां पर, फाइव का। और हम सॉरी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और इलेक्ट्रॉन के गेन होने को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। और दूसरे केस के अंदर Fe2+ से Fe3+ में चला गया, टू से थ्री में, तो क्या बोलेंगे, क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें चेंज आया पांच इलेक्ट्रॉन का, इसमें चेंज आया वन इलेक्ट्रॉन का, तो इसके आ गया आप पांच लिख दीजिए और इसके आ गया आप वन लिख दीजिए। लेकिन आप देखिए कि Fe इसमें टू Fe है, एक Fe के लिए पांच इलेक्ट्रॉन होंगे और दो Fe के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फिर, दस। तो इसलिए दोनों नंबर को आप टू से करोगे मल्टीप्लाई। पहले क्या था वन एंड फाइव, टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि राइट साइड हमारे पास कितने Fe थे, दो। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को बैलेंस करने का एक हिंट मिलेगा। तो इसके बाद बैलेंस करेंगे, हमारे पास कितने Fe, 10, तो यहां पे लगा दिया अपने 5, तो 10 पूरे हुए। इसके बाद कितने Mn, 2, तो आपने 2 लगाया और Mn पूरे हो गए। इसके बाद हमारे पास कितने SO4, SO4 कितने हमारे पास 5, 3 जा 15, 15 इसको प्लस करेंगे 15, 16, 17, 18, 18 SO4 हमारे पास होंगे, इसमें 10 तो इसके पास होंगे, कितने पेंडिंग 8, तो SO4 भी कंप्लीट हुए। इसके बाद बात करेंगे H की, 8, 2 जा 16, कितने H हो गए 16, तो आपने लगाया 8, तो पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई, जिसका आंसर क्या आएगा 2, 8, 10, 1, 2, 8, 5। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के द्वारा भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, और आने वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ एंड आल्सो डिस्कस अबाउट डेंसिटी एंड क्रोजन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।